बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट सारे का। अज यूके स्टडी वीजा की गल करांगे, बहुत सारे इंपोर्टेंट अपडेट्स यूके दे तुहाडे नाल शेयर करांगे। किद्दां दे प्रोफाइल्स ने जिन्हां नूं यूके जाना चाहिए, यूके स्टडी वीजा बारे की अपडेट्स ने, यूके स्पाउस बारे की अपडेट्स ने। सो अज दे साडे गैसट ने वीजा ऑफिस तो सीनियर कंसल्टेंट स्नेहा शर्मा जी। स्नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सो स्टूडेंट्स, जो पहली बार साडा शो देख रहे हो, चैनल जरूर सबसक्राइब करके रखो। यूके दे ना सिर्फ असीं अपडेट्स रैगुलरली थोड़े नाल शेयर करते हैं, जो भी कोई अपडेट आता है कोशिश होंदी है उसनू सिंपल शब्दों च बहुत वैल डिफाइंड तरीके नाल थोड़े तक पहुँचाया जा सके। सो स्नेहा जी, सब तो पहला गल करते हैं स्टडी वीजा यूके का 2024 दे विच की अपडेट्स ने, की प्रोसैस है, किहड़े किहड़े इनटेक्स ने। सो देखो, अगर आप हम यूके दे स्टडी वीजे की गल करिए, 2024 दे विच यूनिवर्सिटीज भी बहुत रिलैक्स नज़र आ रही है। काफ़िया ने अपना क्रिटीरिया भी लो करता वा, एंड अगे यूके दे विच ऑफर लैटर का बड़ा टाइम लगता हुंदा सीगा, हुण रश घट हो गया कह सकते हैं, क्योंकि सितंबर इनटेक तो बाद स्पाउस वाली एप्लीकेशन लगनियाँ घट हो गई, यूनिवर्सिटीज को हुण शायद टाइम हैगा वा। सो उहदे करके हुण यूके दिया जिहड़ी ऑफर लैटर हैगी आ उह भी टाइम सिर आ रहा वा, और काफ़ी वधिया रिस्पोंस यूनिवर्सिटीज़ वल्लों आ रहा। अगर कास्ट लैटर नूं भी टाइम लगता सीगा तां काफ़ी फ्लैक्सीबिलिटी आ, जबकि स्टूडेंट्स नूं बड़ा एक मिथ सीगा कि शायद स्टडी वीजे का भी कोई रूल चेंज हो रहा वा। तां स्टडी वीजे का एज सच कोई रूल नहीं चेंज हो रहा वा, यूनिवर्सिटीज़ एज इट इज़ लीनियंट आ, अच्छी स्कॉलरशिप हैगी आ, और जिन्होंने हुण अप्लाई करना मई जून ओपन हैगा वा, और जिन्नी जल्दी अप्लाई करोगे उन्ना ही वधिया तुहानू स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। सो स्नेहा जी, प्रेजेंटली टाइम किन्ना क लग रहा, ऑफर लेटर किन्नी देर च आ जाती है, प्रोसेसिंग नु किन्ना टाइम लगता है? सर, इस टाइम ऑफर लेटर तो 24 आवर्स वालियां भी यूनिवर्सिटीज हैगियां, हार्डली वीक और 10 डेज दे विच तां आ ही रही है। बाकी मैं एक चीज क्लियर कर देनी है, यूके दे विच हर यूनिवर्सिटी दा पैटर्न सेम नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत जल्दी ऑफर लेटर दे देती है, कुछ टाइम लगता, प्लस स्टूडेंट पे भी डिपेंड होता कि स्टूडेंट ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट देते हैं, क्योंकि ऑफर लेटर उदो अप्लाई होता। इतने एक चीज़ दसदा कि यूके दे विच तुहाडी पहले SOP बनती है, तुहाडे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, दैन तुसी ऑफर लैटर अप्लाई कर दो। सो अगर स्टूडेंट ने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स दिते आ, तां विदिन 10 to 15 डेज स्टूडेंट अपना अनकंडीशनल ऑफर लैटर लै लैंदा, दैन फिर इंटरव्यू का प्रोसेस होंदा। जी, सो नवे रूल्स की ने, कुछ चेंजेस आ रहे ने, बजट कुछ घट वध रहा? बिल्कुल सर, IHS जिहड़ा हैगा वा उह चेंज हो रहा वा, उहदा अमाउंट पहले 16 जनवरी नूं चेंज होना सीगा, बट उस तो बाद 31st तक आ गया, बट हुण फाइनल डेट आ चुकी है 6 फरवरी तो। हुण जिहड़ियां भी फाइल्स लगनगियां उहनां दा जिहड़ा HS लगेगा वो 1035 लगेगा, पहले 624 GBP हुंदा सीगा, हुण 1035 GBP आ, 66% इनक्रीज हो गया वा। सो दीपक जी, स्पेशली जिहड़े बैचलर्स वाले हैगे उन्होंने 3 साल का पे करना पैंदा। अगर आप पहले देखिए तो 1 साल का जिहड़ा सानू इंडियन करंसी दे अकॉर्डिंग पे करना पैंदा सीगा, वो 70 to 80 thousand सीगा। सो हुण 1 साल की जिहड़ा मास्टर प्रोग्राम जी जा रहा वो 1,30,000 तक उहदी कॉस्ट आ जाएगी। और बैचलर्स की गल करिए, पहले 2 to 2.5 lakh दे विच स्टूडेंट की 3 साल की पे हो जाता सीगा, बट हुण अगर आप देखिए तो यह जिहड़ा अमाउंट हैगा 4.5 to 5 lakh तक का हो जाएगा। सो जिन्होंने हुण एप्लीकेशन लगानियां वा, अपने बजट नूं उस दे अकॉर्डिंग मैनेज कर लो, क्योंकि बहुत वड्डा चेंज हैगा। जी, सो हुण गल करते हैं स्पाउस वीजा दी। स्नेहा जी, स्पाउस लई जाना किदे किदे वास्ते पॉसिबल है, ते बेनिफिट्स की होणगे जे कोई जाता है? सर देखो, स्पाउसली नो डाउट हुण बहुत ईजी नहीं डे बाय डे रह जाना, क्योंकि सितंबर इनटेक तो जदों रूल्स चेंज होए आ कि स्पाउस नाल नहीं जा सकदा, रूल ए चेंज नहीं आया कि जा ही नहीं सकदा, चेंज ए आया वा कि हुण रिसर्च प्रोग्राम्स दे विच स्टूडेंट नाल जा, मेन एप्लीकेंट नाल डिपेंडेंट जा सकदा। सो रिसर्च प्रोग्राम्स दे विच लिमिटेड ऑप्शंस हुंदे आ, और IELTS भी कंपल्शन है, क्योंकि पहले की सी कि IELTS तो बिना भी तुहानू एडमिशन मिल जाती सी, सो लिमिटेड सीट्स ओदियां रह गईयां। सेकंड उहनां कोल टायर 2 वीजे दी ऑप्शन हैगी आ, सो ओहदे विच भी अप्रैल तो केयर वर्कर दे नाल स्पाउस नहीं जाएगा, सो बाकी कैटेगरीज रह जाणगीआं। सो डे बाय डे यूके स्ट्रिक्ट हो रहा वा, सो मैं स्पाउस वालियां नूं कहूंगी कि बिल्कुल अपना टाइम ना वेस्ट करन, क्योंकि आन वाले टाइम सिचुएशन सेम नहीं रहनी है, बट पॉसिबल स्टिल हैगा तुसी टीम दे नाल
ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੌਪ ਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਟੌਪ ਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪਲੱਸ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਈਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5, ਉਹ ਟੌਪ ਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੈਵਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।